तो पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट के साथ साथ अमेरिका, नेटो और खुद ज़ेलेंस्की ये मानकर चल रहे हैं कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर बहुत भीषण हमला होने वाला है। लेकिन हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि 24 फरवरी को कीव पर चढ़ाई के लिए पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर के पास कितनी बड़ी तैयारी की है। फरवरी को यूक्रेन पर भीषण हमले का सबूत मिल गया। सैटेलाइट कैमरों में कैद हुआ पुतिन का नया आर्मी कैंप। बॉर्डर पर पुतिन की किलर आर्मी तैयार, बस 24 फरवरी का इंतजार। ज़ेलेंस्की यकीनन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर डर गए होंगे, सहम गए होंगे और उनकी नींद उड़ गई होगी। इन तस्वीरों में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की बर्बादी साफ नजर आ रही होगी। इन तस्वीरों में ज़ेलेंस्की को कीव पर पुतिन का कब्जा साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी तैयारी पुतिन ने एक साल पहले यूक्रेन पर यलगार करने के वक्त भी नहीं की थी। आइए आपको इन तस्वीरों में पुतिन का प्लान दिखाते हैं और वो समझाते हैं जो आप इन तस्वीरों में नहीं समझ पा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। करीब एक साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो पश्चिम रूस का वोरोनेश शहर कीव पर चढ़ाई के लिए रूसी टैंकों के जमावड़े का पड़ाव बना था। युद्ध शुरू होने के बाद ये जगह फिर से वीरान हो गई थी। इस जगह पर जमी हुई बर्फ दिखाई दे रही है। वोरोनेश के बाहरी इलाके में स्थित पोगोनोव ट्रेनिंग फील्ड यूक्रेनी सीमा से करीब 170 मील की दूरी पर स्थित है। इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सोवियत संघ अपने सैन्य ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया करता था। इस महीने की शुरुआत से इस मैदान में रूसी सेना का कैंप लगना शुरू हुआ। देखते ही देखते आधे से ज्यादा मैदान में सैकड़ों आर्मी कैंप लग गए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आया कि इस मैदान में पुतिन के हजारों सैनिक टैंकों के साथ जमा हो चुके हैं। तो क्या पुतिन 24 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब यूक्रेन पर हमले के एक साल पूरे होंगे और पुतिन कीव पर कब्जा करने के लिए आखिरी चढ़ाई कर देंगे, तब पुतिन की तूफानी फौज को कोई नहीं रोक पाएगा। अपना मोर्चा मजबूत करने में जुटे हुए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सहयोगी देशों ने प्रण लिया है कि यूक्रेन में बारूद की कमी नहीं होने देंगे। तो वहीं ऋषि सुनक ने भी यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने का भरोसा दिलाया है। महायुद्ध में ज़ेलेंस्की के दो दोस्त, महाशक्तिशाली दो देश, युद्ध नीति में माहिर दो चेहरे, पहला जो बाइडन, दूसरा ऋषि सुनक। दोनों ने ही जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ज़ेलेंस्की को जिस हथियार की जरूरत पड़ी वो दिया। जिस टैंक की ज़ेलेंस्की ने मांग की उसे भेजा। एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, अत्याधुनिक हथियार से लेकर मिसाइल तक यूक्रेन ने जो मांगा सब कुछ दिया और आगे भी ये बारूदी सप्लाई जारी रखने का वादा किया है। म्यूनिक सम्मेलन में इन दोनों देशों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की जो मांगेंगे हम वो देंगे, यूक्रेन के हर कसूरवार से निपटेंगे। The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held here in Munich. Let us renew our commitment
to accountability. पिछले साल मार्च में यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को कीव से खदेड़ दिया था, जिसके बाद से रूस की सेना कीव पर चढ़ाई की प्लानिंग कर रही है, लेकिन यूक्रेन के पास मौजूद मिसाइल उनकी राह में रोड़ा बने हैं। युद्ध का एक साल पूरा होने से पहले कीव टैंकों और ज्यादा गोला बारूद की पश्चिमी देशों से उम्मीद कर रहा है। फाइटर जेट की सप्लाई जल्द करने पर जोर दे रहा है, जिसे ब्रिटेन ने जल्द पूरा करने का दावा भी कर दिया है। I said what I've done is say to all allies that we stand ready to support them if they can provide fighter jets to Ukraine now, and for our part we're also leading the world in training Ukrainian pilots on NATO standard aircraft. That's the right thing to do, because this is about giving Ukraine the means to defend themselves and win this war. That's about more air defense, it's about armored vehicles, it's about long-range weapons. The UK is out in front in all of these things. ब्रिटेन बारूद भेजता, सुपर पावर हथियार भेजता, जर्मनी टैंक भेजता, फ्रांस एयर डिफेंस सिस्टम भेजता और जेलेंस्की के जांबाज मैदान में दम भर कर लड़ते, रूस की सेना को धूल चटाते और रूस को कई मोर्चों पर शिकस्त देते। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वहीं यूक्रेन के साथी देश उसकी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है, हथियार भेजकर, रसद भेजकर, मेडिकल सपोर्ट भेजकर ब्रिटेन वहां की सैन्य शक्तियों को और बढ़ा रहा है। महायुद्ध में रूस के सामने खड़ा यूक्रेन कमजोर नहीं दिखना चाहता है। अमेरिका से मिले हथियार जंग में जोश भर रहे हैं, ब्रिटेन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम सेना के हौसले बुलंद कर रहे हैं। रूस के पास मौजूद मिसाइल भले ही बारूदी बवंडर उठाने के लिए जानी जाती हो, लेकिन यूक्रेन आसमान से जमीन तक खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।